नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं नेशन न्यूज, आपकी आवाज़। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। मेरा बेटा नहीं मांगेगा माफी, क्योंकि सलमान खान को मिल रही धमकियों पर सलीम खान ने क्या कहा। बाबा सिद्दीकी की मौत के बाद सलमान खान की सुरक्षा काफी बढ़ा दी गई है। दरअसल बाबा सिद्दीकी की मौत की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली है। बिश्नोई गैंग ने एक सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि जो भी सलमान खान के साथ खड़ा होगा उसे अपने अंजाम के बारे में पता रहना चाहिए। वही हाल ही में लॉरेंस बिश्नोई गैंग में शूटर सुखा उर्फ सुखबीर बलवीर सिंह की गिरफ्तारी हुई। सुखा उन आरोपियों में शामिल है जो सलमान खान को मारने की प्लानिंग बना रहे थे। पुलिस के मुताबिक सुखा ने वीडियो कॉल के जरिए पाकिस्तान स्थित हथियार डीलर डॉलर से संपर्क किया, जिसमें हथियारों के सौदे की शर्तों पर बातचीत करते हुए AK-47 और अन्य बड़े हथियार दिखाए। मेरे बेटे ने काले हिरण का शिकार नहीं किया, सलीम खान। सलमान खान और उनके परिवार को मिल रही जान से मारने की धमकी के बीच सलीम खान ने दावा किया है कि उनके बेटे ने काले हिरण का शिकार नहीं किया। एक टीवी चैनल के इंटरव्यू में सलीम खान ने कहा कि आज तक मेरे बेटे ने कॉकरोच तक नहीं मारा, उसने काले हिरण की हत्या नहीं की, ना ही सलमान खान के पास बंदूक थी, हमने किसी कॉकरोच तक को नहीं मारा, हमारा परिवार हिंसा में विश्वास नहीं करता। सलमान खान जानवरों से बहुत प्यार करते हैं, वो किसी जानवर की हत्या नहीं कर सकते। वही सलीम खान ने बाबा सिद्दीकी की हत्या पर भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि बाबा सिद्दीकी की हत्या का सलमान खान से कोई ताल्लुक नहीं है। जब सलीम खान से पूछा गया कि बाबा सिद्दीकी की हत्या से उनके परिवार पर क्या असर पड़ा, तो उन्होंने कहा कि बाबा सिद्दीकी मेरा दोस्त था, मिलता था, बहुत पुराना दोस्त, अफसोस तो हुआ है पर अब क्या कर सकते हैं, अच्छा व्यक्ति था, बहुत से लोगों की उसने मदद की थी। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। अब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए नेशन न्यूज़, आपकी आवाज़।